जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार हृदय से फोर्स परिवार में। प्यारे विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश पीएससी और वनडे एग्जाम्स के लिए कुछ स्पेशल तथ्यात्मक शब्दकोश और छोटे छोटे टॉपिक्स हम आप लोगों के साथ में साझा कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे लेंस के बारे में आपको बतलाएंगे कि लेंस क्या होता है और लेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं। यदि हम लोग लेंस की बात करते हैं तो कल हम लोगों ने एक टॉपिक देखा था अपवर्तन, तो आपको याद रखना लेंस क्या होता है। लेंस जो अपवर्तन के नियम पर कार्य करता हो, अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता हो, जो पारदर्शी हो, क्या हो, पारदर्शी हो, जिससे प्रकाश गुजरने के बाद, प्रकाश गुजरने के बाद अपवर्तित हो जाता हो, क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। यदि मैं लेंस का सृजन करना चाहता हूं तो मान लिया जाए कि मेरे पास में क्या है, गोली है, कांच है, इसको मैं काट सकता हूं और इसको अगर मैं देखता हूं कि ये क्या है, इसका सेंट्रल पॉइंट है और जहां इस सेंट्रल पॉइंट से हम लोग दूर की ओर जाते हैं तो यहां पे आपको मिलेगा क्या, इसका फोकस प्राप्त होगा, ये सेंट्रल पॉइंट होगा, सॉरी इसका ये पोल प्राप्त होगा बेटे, और पोल और सेंटर के बीच में जो मिडिल पॉइंट होगा उसको हम लोग कहेंगे फोकस। क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। ये पॉइंट्स इसमें पाए जाते हैं। जब मैं इसको काटता हूं तो काट करके इसकी आकृति में या तो इस प्रकार की बना सकता हूं और एक आकृति में इस प्रकार की बना सकता हूं, और जब इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो उससे एक उत्तल लेंस का निर्माण होता है, और जब मैं आकृति इस प्रकार की बनाता हूं ये वाली और एक इस प्रकार से मैं काटता हूं और इनको आपस में जोड़ता हूं तो एक आकृति बनती है, वो ये बनती है, इसको हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। क्या कहते हैं इसको, अवतल लेंस के रूप में हम लोग जानते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं क्या, उत्तल लेंस। अंग्रेजी में इसको कॉन्वेक्स कहते हैं हम लोग और इसको कहते हैं कॉनकेव। बाकी हम लोग उत्तल अवतल, उत्तलोत्तल, उत्तल उत्तल आदि प्रकार से इनका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। विशेष तौर पे हम लोग इन दो लेंस का हम लोग जिक्र करेंगे, एक उत्तल का और एक किसका, अवतल का। यदि हम लोग उत्तल की बात करते हैं तो ये प्रकाश की किरण को क्या करता है, सिकोड़ने का कार्य करता है, और आवर्धित करके जो प्रकाश किरण होती है वो कहीं ना कहीं फोकस से होकर फिर क्या होती है, गुजरती है। जब इससे प्रकाश किरण क्या होगी, टकराएगी तो अपवर्तित होकर के कहां से गुजरेगी, फोकस से, और अनंत से अगर कोई इधर से भी प्रकाश किरण आ रही है तो अपवर्तित होकर के कहां से गुजरेगी, फोकस से। अर्थात यह प्रकाश किरण को क्या करता है, एक बिंदु पे आवर्धित करने का कार्य करता है। और जब मैं अवतल लेंस की बात करता हूं और अवतल लेंस से जब कोई प्रकाश किरण आकर के टकराती है तो यह प्रकाश की किरण को क्या करता है, सिकोड़ता नहीं, ये फैलाने का कार्य करता है। और जब फैलाता है, या मैं इधर से बात करूंगा, जब इससे प्रकाश किरण आएगी तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी। अब दूर जाएगी, दूर तो जाके मिलेगी नहीं, तो हम लोग इसको काल्पनिक तौर पर पीछे की ओर मिलाता हुआ हम लोग देखते हैं तो ये फोकस से होकर के गुजरती है।
इसलिए हम लोग देखते हैं कि इसके जो प्रतिबिंब बनते हैं वो प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, ये काल्पनिक बनते हैं और इसके वास्तविक बनते हैं। इसका जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है, और इसके जो प्रतिबिंब बनते हैं ये कैसे बनेंगे, एक तो उल्टे बनेंगे, उल्टे के साथ में वास्तविक बनेंगे, साथ में वस्तु से छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी होंगे, अलग अलग कंडीशन होगी, हम लोग सबको अलग अलग जिक्र करेंगे। लेकिन इसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे तो ये कैसा होगा, काल्पनिक होगा, और कैसा होगा, सीधा होगा, और वस्तु से कैसा होगा, छोटा। ये दो तीन बातों का आपको इन दो तीन बातों के संदर्भ में आपको ज्ञात रखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा मुझे इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बाकी जो शेष बातें होगी, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, हम लोग आगामी सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।